नागरिक संशोधन कानून के समर्थन में भाजपा ने पानीपत में प्रदेश स्तरीय यात्रा निकाली। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सीएम, मंत्री, सांसद और विधायक सहित कार्यकर्ता शामिल रहे। स्काईलॉर्ग के पास से प्रदेश स्तरीय समर्थन यात्रा निकाली जा रही है। इससे पहले सर्कस ग्राउंड में राज्यसभा सांसद व प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और 6 जिलों के भाजपा के आला नेता शिरकत कर रहे हैं। सीएम ने कहा, जो मुस्लिम परिवार नागरिकता की शर्तों को पूरी करता है 11 वर्ष बाद नागरिकता ले सकता है। 5 से 6 साल में मुस्लिम परिवारों को नागरिकता भी दी गई है। इस कानून के तहत नागरिकता देने का प्रावधान है, ना कि लेने का। इस संशोधन में नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। इस देश को जो भारत माता कहता है, वह महजब से उठकर आए उस नागरिकता मिल सकती है। आजादी के बाद देश का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था। हमने पहले भी इसका विरोध किया था और अब भी करते हैं। देश अखंड भारत के रूप में जाना जाता है। आप भी सुनिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने क्या कुछ कहा। मैं कांग्रेस के टाइम पर लागू हुआ था मित्रों, बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक संस्था गई कि इसको ठीक प्रकार से लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2015 के अंदर निर्णय दिया था कि एनआरसी को लागू किया जाए। अवैध नागरिक है उनको छोड़ करके जो इस देश के अंदर इस देश के प्रति आस्था रखते हैं, प्यार प्रेम रखते हैं, उनको यहां लाया जाए और उनको बसाया जाए। तरह तरह के प्रश्न खड़े करते रहे अब ये लोग। जब अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राष्ट्रवाद की ये बात लगातार चलाते हुए आज ये पग उठाया कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसको पारित कराया। मैं बधाई देता हूं कि इस पिछली 10 जनवरी 4 दिन पहले इस कानून को अमली जामा पहना दिया गया है। अब ये पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आया हुआ वो इसकी लाभ उठा करके नागरिकता ले सकता है। विरोध करने वालों के लिए चैप्टर बंद हो गया, कोई इसमें बाकी बात बची नहीं है, क्योंकि हमने बड़े शुद्ध मन से इसको लागू किया मित्रों। इसको तो मानवता के आधार पर हम लागू कर रहे हैं। आखिर अगर इसको लागू नहीं करते तो मानवता नहीं बचती हमारी। हम मानवता के ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं एक तरफ, तो जो ह्यूमन राइट्स का आधार है, जो लोग वहां पीड़ित हैं, यहां आते हैं, शरण में आते हैं, उनको नागरिकता देने का काम, वैसे तो नागरिकता कानून में पहले से भी है। 11 साल में किसी को भी अपना आचरण अच्छा रख करके और नागरिकता की शर्तों को पूरा करने के बाद नागरिकता मिल जाती है। ऐसा नहीं कि पहले नागरिकता नहीं मिलती, और किसी को भी मिलती है। इस कानून के अंतर्गत तो केवल एक प्रावधान किया गया है, क्या कि उनका समय सीमा, जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं उनकी समय सीमा को कम किया गया है। अब 5 साल पहले भी जो लोग आ गए हैं उन सबको नागरिकता मिल जाएगी। इतना ही अंतर किया है। और इसके अंतर्गत हम हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, इनके लिए रास्ता खोला है। मैं एक और बात कहता हूं कि अगर कोई मुस्लिम भी पीड़ित होता है, उसको भी जलालत सहन करनी पड़ती है बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में, और यहां आकर के वो रहना चाहता है और वो यहां की नागरिकता की शर्तें पूरी करता है, तो 11 वर्ष के बाद उसको भी नागरिकता मिल सकती है, कोई रोक नहीं सकता है। ये कानून में कहीं भी नागरिकता का विरोध नहीं है, केवल एक प्रावधान कि जो लोग हमारे देश की तरफ आस्था लेकर आते हैं, उनको एक विश्वास की दृष्टि से आते हैं कि मेरा कौन है, मेरा घर तो हिंदुस्तान है, जो अपने घर को मान करके यहां आता है उसको थोड़ी सुविधा पहले दी गई है, और कुछ नहीं किया गया है। और पिछले 5 साल में 566 मुस्लिम परिवारों को भी नागरिकता दी गई है। ये जो मुसलमानों में तरह तरह के भय पैदा करते हैं, क्या कि तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी, मैं दावे से कहता हूं इस कानून में प्रावधान केवल नागरिकता देने का है, छीनने का बिल्कुल नहीं है। नागरिकता छीनी नहीं जा सकती इस अमेंडमेंट के कारण से। नागरिकता दी जाती है, किसको कब दी जाए, जो देश का पुत्र होकर के भारत को मां मान करके यहां रहता है,
तो धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके भी उसको नागरिकता दी जाएगी। इस देश का पुत्र बन करके रहने के लिए जो तैयार है, जो इस देश को भारत माता कहता है, वो मजहब से ऊपर उठ करके आए, देश का पुत्र बन करके रहे, उसके लिए नागरिकता सुरक्षित है, किसी के विरोध में नहीं है। मित्रों, कई प्रश्न खड़े किए गए कि मुस्लिमों को इसके बाहर क्यों रखा गया। इसका भी सीधा सीधा कारण हमको ध्यान में आना चाहिए कि जब देश का विभाजन हुआ था, जो धार्मिक आधार पर हुआ था, होना नहीं चाहिए था। हम उस विभाजन के विरोध में उस समय भी थे कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन नहीं होना चाहिए था। यह देश अखंड भारत के रूप में जाना जाता था, और आज भी हम चाहते हैं कि इतनी ही चिंता अगर इन लोगों को हो गई है तो एक आह्वान करें कि इस भारत भूमि की संस्कृति के हिसाब से चलने वाला ये भूभाग, सब लोग उस प्रकार के संस्कारों में चलने के लिए तैयार हो तो आइए फिर से बांग्लादेश पाकिस्तान भारत एक मिला करके और अखंड भारत बना दें। नब होगा बांस न बजे की बांसुरी। क्यों चिंता करते हैं इस बात की, इस देश की नागरिकता की चिंता करते हैं? हम कहते हैं सब मिलकर के अखंड भारत की बात करें तो सब नागरिक एक हैं। शर्त यह है इस भारत माता के पुत्र बन करके सबको स्वीकार करना पड़ेगा। ले लेंगे हिसाब, उससे भी ले लेंगे। अब विशेष तौर पर जो बात कही जाती है इस नागरिकता जो अधिनियम संशोधन अधिनियम का पहलू के पूर्वोत्तर की संस्कृति के बारे में कि अगर वहां लोग चले जाएंगे तो उनकी संस्कृति और उनकी भाषा परिवेश इस पर असर पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए ये जो संशोधन किया गया है ये पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए लागू नहीं है, इसलिए ये प्रश्न भी बेकार हो जाता है। और जो इनर लाइन परमिट जोन है, उस बांग्लादेश और भारत की जो सीमा इनर लाइन परमिट जोन के ऊपर भी ये संशोधन लागू नहीं होता। इसलिए जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि पूर्वोत्तर की अपनी संस्कृति है, भाषा परिवेश है, उसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा, तो इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। मैं उन लोगों को यह उत्तर देना चाहता हूं। इसी प्रकार मुसलमानों के बारे में जो खतरा की बात करते फैलाते हैं, हम एक ही बात कहते हैं कि जिस प्रकार से इस देश का नागरिक इस देश के इतिहास के अंदर अपने सुख दुख को, अपने पूर्वजों को एक मानता है, उस प्रकार के सब बातें करने के लिए अगर सब लोग तैयार हैं तो फिर किसी को खतरा नहीं है। खतरा तब है कि खाएं यहां का, गुण गाएं किसी और देश का, तो खतरा ही खतरा है। इस देश में रहने वाला नागरिक, उसको अपने पूजा पाठ की पूरी स्वतंत्रता है, धार्मिक पूजा कुछ भी करता है, लेकिन देश मेरा है, इस देश का इतिहास मेरा है, मेरे यहां के पूर्वज मेरे पूर्वज हैं। ठीक है, किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया होगा, पूजा पाठ की पद्धति बदल ली होगी, हमको कोई आपत्ति नहीं है, स्वतंत्रता है सबको, कोई कुछ भी पूजा पाठ करे, मन से करे, लेकिन लोभ लालच दे करके, स्वार्थ के कारण से या धोखे के कारण से किसी को मजहब परिवर्तन करना, वो इस देश में पाप है मित्रों, वो नहीं करने देंगे। इसलिए देश में आजादी है, मन की आजादी है, विचारों की आजादी है, लेकिन देश के प्रति आस्था इसकी आजादी नहीं है, इसकी आजादी नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं, हम भारत के लोग, हमारे संविधान में पहली पंक्ति है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग माने भारत हमारे लिए पहले है, बाकी सब बाद में है। तो मित्रों, हमने अपने देश की इस बात को विचार किया है, और ये जो संशोधन मैंने पहले बताया ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस समय अंबेडकर जी कानून मंत्री थे, उस समय भी एक बार ये कानून बनाया गया था कैबिनेट में कि जो विशेष करके वो लोग दंगों के कारण से
जो दंगों के कारण से इस देश में आ गए हैं, उन लोगों को, हिंदू हो चाहे सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, उनको सबको यहाँ रहने की अनुमति भी है, उनको नागरिकता मिलेगी। ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर भी एक कानून बन चुका है। मैं पूछता हूँ आज के कांग्रेस के लोगों से जो इसका विरोध कर रहे हैं, ध्यान रखें कांग्रेस में भी सब लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस में भी बहुत लोग आज इसके समर्थन में हैं। उनके अंदर एक दुविधा है कि पार्टी का स्टैंड क्या है, उनकी पार्टी का स्टैंड भी एक नहीं है। बहुत लोग आज शांत हो गए अंदर अंदर, इस अमेंडमेंट को वो ठीक मानते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते अपने नेतृत्व के सामने बोलने की, क्योंकि नेतृत्व का आधार वो मूलाधार भारत का ना हो करके, हमारे एक साथी ने यहाँ कहा, किसी और जगह का आधार है, डर लगता है सामने बोलते नहीं है। भारत माता की, जरा आवाज दिल्ली तक पहुंचानी भाई, जोर से भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री सुभाष बराला जी, हरियाणा सरकार के हमारे मंत्रीगण सर श्री कौर पाल जी, श्री भूषण शर्मा जी, महंत कमलेश झाड़ा जी, श्री संदीप सिंह जी, हमारे सांसदगण, जिनमें स्थानीय सांसद करनाल लोकसभा क्षेत्र से भाई संजय भाटिया जी, सोनीपत लोकसभा श्री रमेश कौशल जी, कुरुक्षेत्र लोकसभा से भाई नायब सैनी जी, सभी हमारे उपस्थित विधायकगण, पार्टी पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी मेरे देशभक्त राष्ट्रभक्त भाइयों बहनों नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों व कलाकार बंधुओं, आज का दिन हमें कैसे विषय पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए आए हैं, जिस बात की पीड़ा हमारे देशभक्त नागरिकों को बहुत वर्षों से चली आ रही है। हमारा ये इलाका उस समय की पूरी यादें समेटे हुए है जब हमारे देश का विभाजन हुआ था। 1947 का वो विभाजन, जब भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए थे इस देश के, और बाद में फिर उसी पाकिस्तान के फिर से दो टुकड़े हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश, लाखों परिवार जो अपने इस देश की पूरी आशा को जताते हुए, अपने संस्कारों के साथ जुड़े हुए, जिन्होंने भूमि छोड़कर और यहां आकर के शरण ली, बांग्लादेश में इसी प्रकार से बंगाल और आसाम के आसपास के क्षेत्रों में अदल बदली हुई। वैसे वो ऐसा समय था जिसको बुलाया नहीं जा सकता, लाखों लोग शहीद भी हुए, और उस समय की पीड़ा हमारे लोग जानते हैं। लेकिन देश के विभाजन के बाद, अदल बदली होने के बाद भी एक विषय उस समय कहा गया कि अगर कोई हिंदू अथवा सिख भाई पाकिस्तान में अपने आप को सुखी न मानता हो, वो यहां आ सकता है, उसको पूरा सम्मान भी दिया जाएगा, नागरिकता भी दी जाएगी। ये भाषण 26 सितंबर 1950 का
महात्मा गांधी जी का घासे अगर हमें नू जिले के अंदर है, इसको कोई भी लिख सकता है, पढ़ सकता है, इसको कोई भी पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। इस देश के प्रति प्यार करने वाले यहाँ से हमारे प्रति हमारे से जो आ सकते हैं उनके लिए हमेशा हमारे दरवाजे खुले हैं, कभी हमने दरवाजे बंद नहीं किए थे। तो भाई बहनों, ये सिलसिला लगातार चलता रहा। बाद में दिल्ली समझौता, नेहरू लेकर दिल्ली का जो समझौता हुआ, उस समझौते में कहा गया कि पाकिस्तान भी और हिंदुस्तान भी अपने अपने यहां जो माइनॉरिटी है उन माइनॉरिटी का प्रावधान रखे, मान सम्मान रखे। लेकिन उनका सच बात है, भारत ने माइनॉरिटी का पूरा ध्यान रखा, सम्मान रखा, उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया। लेकिन पाकिस्तान भारत का बांग्लादेश और अफगानिस्तान, वहां उन्होंने माइनॉरिटी को सम्मान नहीं दिया, जिसका परिणाम यह निकला कि जो 1947 के अंदर पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की संख्या 23% थी, अभी 2011 के अंदर केवल 3.7% रह गई। कहा है 19.3% लोग पाकिस्तान के, या तो उनको धर्म परिवर्तन कर दिया गया, या उनको मौत के घाट पर लाया गया, या उनको बाहर निकाल दिया गया, या पीड़ित लोग अपने आप देश छोड़ करके और हिंदुस्तान में आ गए। 19% लोग बहुत बड़ी संख्या है, जबकि हमारे यहां जो अल्पसंख्यक समाज है उससे कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। और यही बांग्लादेश, बांग्लादेश का उस समय जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा 1947 में वहां की संख्या भी 22% थी अल्पसंख्यकों की, और आज 2011 में ऐसा 8-9 साल पहले जब गणना हुई तो 7.8% रह गई, मित्रों 14.3% वहां भी घट गई। वो लोग वहां से पलायन करके चाहे आसाम में आ गए, चाहे बंगाल में आ गए। अब ये मानवता का घर है, देश और दुनिया का कोई भी व्यक्ति होगा उसका सुखी जीवन होना चाहिए, समान जीवन होना चाहिए। ये हम भारतवर्ष के लोगों की संस्कृति है। हम हमेशा कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु मनाः, सारी दुनिया ये सुखी रहनी चाहिए, दुखी कोई नहीं होना चाहिए, सब निरोगी होने चाहिए, दुखी कोई नहीं होना चाहिए, सब सुख मिलना चाहिए। आज ये बात ये मानवता के नारे भी कह रहे हैं, हम भारत के नागरिक पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। कहीं भी कोई दर्द होगा, पीड़ा होगी तो उसको हम समझेंगे। हमारे यहाँ के संत ऋषि मुनि सारी दुनिया में जा रहे हैं, शांति का संदेश दे रहे हैं, दुनिया को सुखी करने के लिए एक अपने देश का संदेश जा रहा है। लेकिन हमारे पड़ोस के देश में अगर कोई दुखी है तो उसका ध्यान हम क्यों नहीं रखेंगे? हम ध्यान रखेंगे। और मित्रों, इस बात को लेकर के देश की संस्थाओं में उस समय आवाज उठाई, कांग्रेस ने भी आवाज उठाई थी, कांग्रेस ने कहा था कैसे सब लोगों को जो आसे आते हैं, शरण में आते हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। 1955 में देश आजाद होने के 8 साल के बाद इस देश के अंदर एक नागरिकता का कानून बना, और उस नागरिकता के कानून के आधार पर हम समय समय पर यह कानून इसके अंदर विस्तार कर दिया है, संशोधन कर दिया है, इसको एक्सटेंड कर दिया है। 2003 में जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय भी राजस्थान, गुजरात, वहां पर पाकिस्तान से आए हुए ऐसे हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए बहुत बड़ी आबादी आई थी, उनको नागरिकता देने के लिए उसी कानून के अंतर्गत उनको नागरिकता दी गई। 2010-2011 में भी जब यूपीए की सरकार थी, केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय भी वहां उस समय के विदेश मंत्री परवीन कौर ने, विदेश राज्य मंत्री ने हिंदुओं के उत्पीड़न की चिंता की थी। और सन 2012 के अंदर भी आसाम के मुख्यमंत्री
उन्होंने 20 अप्रैल 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि जो हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, पारसी है, इन लोगों की पीड़ाओं को हमको ध्यान करना चाहिए और उनको बचा हुआ काम नागरिकता का है, वो चाहे आसाम में लोग हो चाहे बंगाल में हो, उनके सुख के लिए कानून के अंतर्गत करके और कानून बनाना चाहिए। जिस एनसीआर की वाराणसी बात कर रहे हैं, वो वाराणसी हमने लागू नहीं किया, ये 2010 में कांग्रेस के टाइम में लागू हुआ था। मित्रों, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार आई कि इसको ठीक प्रकार से लागू किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2015 के अंदर निर्णय दिया था कि एनआरसी को लागू किया जाए। अवैध नागरिक है उनको छोड़ करके जो इस देश के अंदर इस देश के प्रति आस्था रखते हैं, प्यार में रहते हैं, उनको यहां लाया जाए और उनको बसाया जाए। तरह तरह के प्रश्न खड़े कर रहे हैं हमने लोग। जब अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राष्ट्रवाद के बाद लगातार नारे हुए आज ये पकड़ उठाया कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट इसको पारित कराया। मैं बधाई देता हूं कि पिछली 10 जनवरी 4 दिन पहले इस कानून को अमलीजामा बना दिया गया है, अभी ये पूर्ण रूप से लागू हो चुका है। अब कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आया वो इसकी लाभ उठाकर नागरिकता ले सकता है। विरोध करने वालों के लिए चैप्टर बंद हो गया, कोई इस बात की बाहर बची नहीं है, क्योंकि हमने बड़े शुद्ध मन से इसको लागू किया है। मित्रों, इसको मानवता के आधार पर लागू कर रहे हैं, अगर इसको लागू नहीं करते तो मानवता नहीं बचती हमारी, हम मानवता के ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो जो ह्यूमन राइट्स का है, जो लोग वहां पीड़ित हैं, यहां आते हैं, शरण में आते हैं, उनको नागरिकता देने का काम नागरिकता कानून में पहले से भी है। 11 साल में किसी को भी अपना आचरण अच्छा करके और नागरिकता की शर्तों को पूरा करने के बाद नागरिकता मिल जाती है। ऐसा नहीं कि पहले नागरिकता नहीं मिलती और किसी को मिल रही है। इस कानून के अंतर्गत तो केवल एक प्रावधान किया गया है, क्या कि उनका समय सीमा, जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं उनकी समय सीमा को कम किया गया है। अब 5 साल पहले भी जो लोग आ गए हैं उन सबको नागरिकता मिल जाएगी, इतना ही अंतर किया है। और इसके अंतर्गत हम हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, इनके लिए रास्ता खोला है। मैं और बात कहता हूं, क्या अगर कोई मुस्लिम भी पीड़ित होता है उसको भी जलालत सहन करनी पड़ती है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में, और यहां करके वो रहना चाहता है और वो यहां की नागरिकता की शर्तें पूरी करता है तो 11 वर्ष के बाद उसको भी नागरिकता मिल सकती है, कोई रोक नहीं सकता है। ये कानून में कहीं भी नागरिकता का विरोध नहीं है, केवल एक प्रावधान कि जो लोग हमारे देश की तरफ आस्था लेकर आते हैं उनको एक विश्वास से आते हैं कि मेरा कौन है, मेरा घर है, जो अपने घर को मान कर आ रहा है उसको पहले दिए गए और कुछ नहीं किया गया। और पिछले 5 साल में 566 नागरिक नागरिकता दी गई है। ये जो मुसलमानों में तरह तरह के घर तरह कर रहे हैं, क्या तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी? से कहता हूं इस कानून में प्रावधान केवल नागरिकता देने का है, छीनने का बिल्कुल नहीं है। नागरिकता छीनी नहीं जा सकती इस अमेंडमेंट के कारण से, नागरिकता दी जाती है किसी को कब दी जाए, जो देश का पुत्र होकर भारत को मान करे यहां रहता है तो धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके भी उसको नागरिकता दी जाएगी। इस देश का पुत्र बनकर रहने के लिए जो तैयार है, जो इस देश को भारत माता कहता है वो मजहब से ऊपर उठ करके आए, देश का पुत्र बन कर रहे, उसके लिए नागरिकता सुरक्षित है, किसी के विरोध में नहीं है। मित्रों, कई प्रश्न प्रश्न ये है कि मुस्लिमों को इसके बाहर क्यों रखा गया, इसका भी सीधा सीधा कारण हमको ध्यान आना चाहिए कि जब देश का भाजपा था, जो
धार्मिक आधार पर हुआ था, होना नहीं चाहिए था। हम उस विभाजन के विरोध में उस समय भी थे कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन नहीं होना चाहिए था। ये देश अखंड भारत के रूप में जाना जा रहा था, और आज हम चाहते हैं कि इतनी चिंता अगर लोग हो रही है तो आह्वान करें कि इस भारत भूमि की संस्कृति के हिसाब से चलने वाला ये विभाग सब लोग उस प्रकार के संस्कारों में चलने के लिए तैयार हो, तो आइए फिर से बांग्लादेश पाकिस्तान भारत एक बना करके और अखंड भारत बना दें। ना होगा बांस समझ एक बांसुरी, क्यों चिंता करने की बात है? इस देश की नागरिकता की चिंता कर रहे हैं हम, सब मिलकर अखंड भारत की बात करें तो सब नागरिक एक है, शर्म यह है इस भारत माता का यदि पुत्र बंद करे से सब स्वीकार करना पड़ेगा। अब विशेष तौर पर जो बात कही जा रही है इस नागरिकता जो अधिनियम संशोधन अधिनियम का पहलू के पूर्वोत्तर की संस्कृति के बारे में कि अगर वहां लोग चले जाएंगे तो उनकी संस्कृति और उनकी भाषा प्रदेश इसी पर असर पड़ेगा। आपकी जानकारी के ये जो संशोधन किया गया है ये पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए लागू नहीं है, इसलिए ये प्रश्न बेकार हो जाता है। और जो इनर लाइन परमानेंट जोन है उस बांग्लादेश और भारत की जो सीमा इनर लाइन परमानेंट जोन के ऊपर भी ये संशोधन लागू नहीं होता, इसलिए जो हम बताया जा रहा है क्योंकि पूर्वोत्तर की अपनी संस्कृति है, भाषा विवेश है, उसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा तो इसी का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। मैं चाहता हूं इसी प्रकार मुसलमानों के बारे में जो खतरा की बात करते फैलाते हैं हम एक ही बात कहते हैं कि जिस प्रकार से देश का नागरिक इस देश के इतिहास के अंदर अपने सुख को अपने पूर्वजों को मानता है उस प्रकार से समाप्त करने के लिए अगर सब लोग तैयार हैं तो फिर किसी को खतरा नहीं है। खतरा तब है कि खाए यहां का गुड़ना किसी और देश का तो खतरा ही खतरा है। इस देश में रहने वाला नागरिक उसको अपने पूजा पाठ की पूरी स्वतंत्रता है, धार्मिक गुजारा कुछ भी कर रहा है, लेकिन देश मेरा है, इस देश का इतिहास मेरा है, मेरे यहां के पूर्वज मेरे पूर्वज है। ठीक है, किसी ने धर्म परिवर्तन कर दिया होगा, पूजा पाठ की पद्धति बदलनी होगी, हमको कोई आपत्ति नहीं है, स्वतंत्रता है सबको, कोई कुछ भी पूजा पाठ करे मन से करे, लेकिन लोभ लालच न करे, स्वार्थ के कारण से या धोखे के कारण से किसी को मजहब परिवर्तन करना कोई देश में पाप विद्रोह नहीं कर रहे हैं। इसलिए देश में आजादी है, मन की आजादी है, विचारों की आजादी है, लेकिन देश के प्रति आस्था इसी आजादी नहीं है, इसी आजादी नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं, हम भारत के लोग, हमारे संविधान में पहली पंक्ति है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग माने भारत हमारे लिए पहले है, बाकी सब बात है। तो मित्रों हम हमने अपने देश की इस बात को उजागर किया है और ये जो संशोधन मैंने पहले बताया ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस समय अंबेडकर जी कानून मंत्री थे, उस समय में भी एक बार ये कानून बनाया गया था कैबिनेट में कि जो विशेष करके वो लोग दंगों के कारण से जो दंगों के कारण से देश में आ रहे हैं उन लोगों को हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे मुसलमान हो उनको सबको यहां रहने की अनुमति दी है, उनको नागरिकता मिलेगी। ये जवाहरलाल नेहरू बन चुका है। मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों से जो इसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस कांग्रेस में भी सब लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस में भी बहुत लोग आज के समर्थन है, उनके अंदर खुदा है कि पार्टी का स्टैंड क्या है, उनकी पार्टी का स्टैंड भी एक नहीं है,
बहुत लोग आज शांत हो गए अंदर इस अमेंडमेंट को ठीक मानते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते अपने नेतृत्व के सामने बोलने की, क्योंकि नेतृत्व का आधार वो मूलाधार भारत का न होकर हमारे एक साथी ने कहा किसी और जगह का आधार है, डर लगता है सामने बोलते नहीं है, बोलते नहीं है। मैं कहता हूं आज ये देश के जो कांग्रेस के आलम है वो जो जिस प्रकार के बने रहे, कहीं 370 रही, कहीं 35 रही, कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट ससने का काम रहा, उनको एक एक करके ठीक कर रहे हैं, और जिनकी पीड़ाएं उस समय की बात है उन सब की पीड़ाएं दूर करने का काम हमारा है, हम उनको सब को ठीक करेंगे, चिंता मत करिए। इसलिए हम लोग ध्यान रखें कि आज कांग्रेस वालों को बनाने की आवश्यकता है, कांग्रेस का इतिहास उस इतिहास को ध्यान रखो जो इतिहास कांग्रेस का देश की आजादी के साथ जुड़ा हुआ था, कांग्रेस में भी देश भक्त होते थे, आज उस कांग्रेस के इतिहास को पटाखा लगाने के लिए जो कांग्रेसी आज इस प्रकार के विषयों का विरोध कर रहे हैं, हमने 370 हटाना नहीं पा की कांग्रेस में छोटे लोग 370 में खड़े हो गए, हमने अमेंडमेंट एक्ट का जो नागरिकता अमेंडमेंट एक्ट की बात की समर्थन में उसका विरोध करने के लिए खड़े हो गए। अरे देखो क्या कर रहे हैं, हम इस देश के प्रति आस्था को जागृत कर रहे हैं, इस देश के विरोध में बात करो वरना कांग्रेस खत्म होते होते जिस जगह पर खड़ी है ये कहीं भी आगे जरूर हो जाएगी, क्योंकि हम राष्ट्रवाद इसका साथ दे हैं। जब चुनाव थे तो कांग्रेस के मित्र कह रहे थे ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, भैया उस समय तो चुनाव थे आप कह रहे थे राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, ना करो आज तो चुनाव नहीं है, आज भी हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, इसी से राष्ट्रवाद का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। हमारा ये दिन में राष्ट्रवाद रात में राष्ट्रवाद साल के 12 महीने 5 साल सदियों तक राष्ट्रवाद पहला विषय है, इसके पीछे हटने वाले नहीं है, JBD banquets lie hai. Incredible marriage palace, Rajgharana, and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching, and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।